कोटा दक्षिण क्षेत्र स्थित कोटा विश्वविद्यालय कोटा में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटा की छात्राएं धरने पर बैठ गई। जेडीबी छात्र संघ अध्यक्ष दीप्ति मेवाड़ा ने बताया कि जेडीबी कॉलेज के जो परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं उनमें बहुत सी छात्राओं के रिजल्ट रोक दिए गए। कुछ के रिजल्ट में बहुत कम नंबर दिए गए, इस समस्या से छात्राएं असमंजस में हैं, उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं ने सेमेस्टर प्रणाली में संशोधन करने की भी मांग की है। दीप्ति मेवाड़ा ने बताया कि जिन छात्राओं के कम अंक आए हैं उनकी कॉपियां दोबारा चेक की जाए, सेकंड सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने का पोर्टल दोबारा शुरू किया जाए। आज हम सभी राजकीय वाणिज्य कन्या महाविद्यालय सभी छात्राओं को साथ लेकर यूनिवर्सिटी आए, क्योंकि कोटा विश्वविद्यालय का हमेशा का हो चुका है, कभी वो रिजल्ट बनाता है तो कभी रिजल्ट भी घटता है। हर बार का ऐसा हो चुका है, किन्हीं छात्राओं के रिजल्ट रोक दिए गए, किन्हीं छात्राओं के, कोई छात्र अच्छी पढ़ाई कर रही है तो उसके एक विषय में 7 नंबर, एक विषय में 17 नंबर, ऐसे क्यों हो रहा है? बच्चा भी तो आर्थिक रूप से भी तो बच्चे कमजोर होते हैं, वो पैसे लगाते हैं, सब चीजें करते हैं, फिर भी ऐसा होता जा रहा है बार बार। और हमने मांग रखी कि सेमेस्टर विषय के सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं, तो बच्चा आर्थिक रूप से भी कमजोर होगा तो एडमिशन फीस और एग्जाम फीस कैसे साथ में भरेगा, कहाँ से इतने पैसे लेकर आएगा? पर विश्वविद्यालय प्रशासन ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ना ही वो किसी चीज की सुनवाई कर रहे हैं। ये भी नहीं होगा तो छात्र है किस लिए? दीप्ति मेवाड़ा, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय वाणिज्य कन्या महाविद्यालय। सर, इस बच्चे की एक और है, उसके 17 नंबर।